Lights! Camera! Silence! Action! सॉरी, इसे बस यही आता है। अकेले रहते हो कोलकाता में? हाँ। बोर नहीं होते? नहीं। तो फिर शादी क्यों करना चाहते हो? एक्चुअली मेरा शादी का कोई प्लान नहीं था। यू नो पेरेंट्स। Trust me, I know. तो कुछ पूछना चाहते हो? आप नर्सिंग पढ़ रही हो, है ना? पढ़ाई तो कब की खत्म हो गई, अभी इंटर्नशिप चल रही है। मैं कुछ पूछूं? तुम्हारा कभी कोई अफेयर या कुछ? नहीं। कभी नहीं? यू कैन टेल मी इट्स कूल। नहीं, कभी कुछ हुआ ही नहीं। मेरा एक बॉयफ्रेंड था, डॉक्टर था, फिर ब्रेकअप हो गया। एक्चुअली अभी लगता है कि मुझे शायद उससे ज्यादा उसकी बाइक पसंद थी, यू नो, कूल लगता था। तुम बाइक चलाते हो? एक आध बार ट्राई किया है, लेकिन बहुत नर्वस हो जाता हूँ मैं। रियली? आर यू द नर्वस टाइप्स? तो फिर एक योगा ट्राई कर सकते हो, इट विल रियली काम यू डाउन। योगा? नर्सिंग में सिखाते हैं ऑपरेशन वगैरह से पहले पेशेंट्स को रिलैक्स करने के लिए। नाक पे से हाथ रखो और लंबी सांस लो। करो क्या अभी? नाक पे से हाथ रखो और लंबी सांस लो। फिर छोड़ो, फिर दूसरे साइड से। ये साइड छोड़ दो। अब दूसरे साइड से। लो, फिर शुरू हो। हाँ भाई, कैसी लगी? ठीक का मतलब क्या? अच्छी लगी कि नहीं लगी? तो फिर बाबा भाई, हम लोग बात आगे बढ़ाएं? पहले देख लो वो लोग क्या कहते हैं। ओफो, तुझे उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो पता है वो लोग हाँ ही कहेंगे। कैसे पता है? और जो भी है, ये लास्ट ट्राई था। ओके, देख अभी तो ओवर रिएक्ट कर रहा है। अभी माँ को पूछ,
17 रिजेक्शन के बाद मिली थी मुझे। ये सब यहाँ लिखा होता है यहाँ। तेज बारिश हुई थी, अचानक ये गाड़ी के सामने कूद पड़ी। कूद पड़ी मतलब सुसाइड? हाँ। एक्सीडेंट स्पॉट कहाँ है याद है? घंटा पहले यहाँ एक बुढ़िया का एक्सीडेंट हुआ था, बुर्का पहनी हुई थी, किसी ने कुछ देखा? नहीं। कोई जानता है वो कौन थी? वो बहुत सारे मुसलमान रहते हैं यहाँ आसपास, बुर्के में कौन है कैसे पता चलेगा साहेब? ये तो उस कुत्ते वाली का है। किसका? नाम तो नहीं पता साहेब, सब इसी नाम से बुलाते थे उसे। रहते कहाँ है? वो सामने गली दिख रही ना साहब, उसके बाद एक तालाब आएगा और तालाब के बाद एक जंगल, बस वहीं पे एक छोटा सा घर है। साहब एक बात बोलूं, बुढ़िया बड़ी अजीब सी थी, पगली सी, किसी से बात नहीं करती थी, सड़क के कुत्तों को अपने घर ले जाती थी, इसीलिए सब उसे कुत्ते वाली कहते थे। आसपास देखो कोई है कि नहीं। रात को सड़कों पे घूमती रहती थी, अकेले बैठकर जोर जोर से रोती थी, कभी कभी उसके घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें भी आती थी। कोई है वहां पे? नहीं सर, उधर कोई नहीं है। डरो मत, मैं पुलिस से हूँ, तुम्हारी मदद करने आया हूँ। हाँ खोल दूँ? अम्मी आके खोलेगी। तुम्हारी अम्मी का एक्सीडेंट हो गया है, अस्पताल जाना पड़ेगा तुमको।
सॉरी, एकदम से गाड़ी के सामने आ गई थी, हम हॉस्पिटल ले जा रहे थे। साइन करें, साइन। घर पे और कोई है? कोई रिश्ते? ये बॉडी कल पुलिस मॉक से ले लेना, डिस्चार्ज का 300 रुपया होता है, अभी देना है। हाँ वो मैं देता हूँ, ले लो। अम्मी के साथ क्या करेगा? नहीं ज्यादा कुछ नहीं, छानबीन करनी होती है ना। आप मुर्दा घर कैसे जाओगी? मैं लेके जाऊं? मैं लेके जाऊंगा। तुझे जाने की क्या जरूरत है? बेचारी का कोई नहीं माँ, किसी को तो साथ में जाना चाहिए ना। तो हमें इससे क्या, क्यों घुस रहे सबके बीच पे बिना मतलब के? बिना मतलब के? माँ मैं सामने बैठा था, मुझे पता है वो सुसाइड नहीं था। क्या हुआ? पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। गांव वालों ने जो भी बोला उससे तो पुलिस वालों को यही लगता है कि सुसाइड ही किया होगा। लेकिन वो लड़की, वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी करेगी? अरे नहीं मैडम, उसको तो अपने बाप का नाम तक नहीं पता है। आपको नहीं मालूम उसकी माँ उसे बांध के रखती थी जानवर की तरह? क्या जमाना आ गया देख, लूट मार के डर से लोग असली सोना भी नहीं पहनते आजकल। साहब एक लाश आई है, एक्सीडेंट में मरी थी, मुसलमान है। तो फिर जनाजे पे आऊं? नहीं, उसके हाथ पे वो वाला निशान है। निशान? हाँ, औलाद चक्र का। अभी आप अपने आप खाना शुरू कीजिए, समझ गए? बहुत हो गया। मुखर अच्छे से चबा के खाओ। बांग्लादेश ट्रिब्यून में खबर निकली है, आपने देखी? तुमने हुसैन साहब वाला पॉइंट नोट किया? बांग्लादेश ट्रिब्यून कर लिया सर। सातखेरा के पास कुछ बच्चों के सर मिले, उसमें नई बात क्या है? पहले भी मिले थे। ये लिबरेशन वॉर की लाशें पता नहीं अल्लाह जाने कब तक मिलेंगी। हाँ पर पेपर के हिसाब से ये लिबरेशन वॉर की नहीं, कयामत आंदोलन की है। अच्छा सर, आपसे एक बात पूछूं? आपने कभी जिन को देखा है? दादू ये जिन क्या होता है? जिन क्या होता है?
समझाओ। तुम्हारे अंदर के जो बुरे ख्याल होते हैं ना, कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं रात को जल्दी नहीं सोऊंगा, काम के वक्त बेकार के सवाल करूंगा, इधर उधर की बातें करूंगा, हाँ, ये होता है तुम्हारे अंदर का जिन्न, जिसको क्या कहते हैं, शैतान कहते हैं। शैतान बहुत खतरनाक होता है। इफ्रित से भी खतरनाक। सातखीरा के पास कुछ बच्चों के सर मिले, पेपर के हिसाब से ये कयामत आंदोलन की। कहाँ रहती हो तुम? हाँ, घर पे कौन कौन है? और इसको रखो वापस। क्या करियो, लग जाएगा। वापस करो इसको, लग जाएगा तुम्हें। सुन लीजिए क्या कह रहा हूं, वापस करो इसको, लड़की वापस कर इसको। आगे देखते ना, राइट पे मेरा घर आएगा।
थैंक यू। बस बस एक मिनट। बेटी है उसकी? हाँ। और कोई बेटी है या बस एक ही? जी आपको क्या मतलब? नहीं नहीं जी बस पूछ। और बीबी काम चालू कर दो, फुसल हो चुका है। आ जाओ आप थोड़ा सा साइड। चला रही है वो क्या? वो लकड़ी, बदबू वाली लकड़ी। वो तो अगरबत्ती है, खुशबू है वो। नहीं 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 रोको से नहीं, मुझे नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है मैं कुछ करता हूँ। अच्छा सुनिए, हो गया अब, थैंक यू, हो गया। हाँ तू जा, मैं इधर से जाऊंगी। श्योर। एक मिनट जरा ये होल्ड करना एक बार। ये रख लो आप। नहीं रख लो, काम आएगा। ठीक है फिर चलता हूँ मैं। तालाब किस तरफ है? बस यहां से मैं चला जाऊंगा। नहीं नहीं आप रख लो, कोई बात नहीं, आपको जाना पड़ेगा ना। बाय। हाँ रुक्साना
इधर आ बच्ची। रुको। वो आ रहा है कुछ मांगने, लेना तो पड़ेगा। सकते हैं आज, मेरी शिफ्ट 4 बजे खत्म होती है। पहले यहाँ हर साल आती थी बुक फेयर के लिए, कितना अच्छा होता था। नहीं पता नहीं क्यों शिफ्ट कर दिया। आप कुछ कहने वाली थी? उस दिन जिस लड़के के बारे में बताया था। अच्छा, वो बाइक वाला डॉक्टर? हाँ वही बाइक वाला डॉक्टर। वो ऐसे नहीं खत्म हुआ था, सीरियस था। 4 साल चला था और फिर और फिर एक दिन खत्म हो गया। तुम ये सब सुन के शादी के लिए मना तो नहीं कर दोगे? मैंने घर पे एक्चुअली बोल दिया है। नो,
आप निकलो, मैं समझता हूँ। क्यों पी लो इसको, गरम है, फूंक मार के पियो। अच्छा बताओ, कौन मारना चाहता है आपको? वो आदमी बदबू वाली लकड़ी लेके आया था। कौन आदमी, आप जानती हो उसे? छोटी थी तो देखा था। कहाँ? पहाड़ में, अम्मी हम बाहर में रहते थे, वो आया था। अम्मी ने रस्सी खोली और बोला भाग भाग रुको, वो हमारे पीछे था, बहुत भागी, थक गई फिर भी भागी, फिर बच गई। क्यों मारना चाहता है? नहीं पता, अम्मी ने नहीं बताया। तो उस आदमी का नाम बताया आपको? यहां कैसे पहुंची आप?
चल के आई भाग सॉरी ये लो दवाई है खुद लगा लो पैर में मैं क्लास पकड़ू नीचे से दबाओ कब उठी चाय पियोगी तब बताओ पुलिस के पास जाना है नहीं पुलिस नहीं बताया उसको कैसे पता पुलिस को पता है मेरा घर कहाँ है वो तो मुझे भी पता है तो क्या मैंने बताया उन लोगों को तब कहाँ जाओगे कोई तो होगा आपका या नहीं तो और कहीं अच्छा ठीक है आप यहाँ रहो मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ मैं ना ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ टेबल पे आपका खाना रख देता हूँ ढक के अब टाइम पे खा लेना हाँ और दरवाज़ा मैं बाहर से बंद करके जाऊँ नाखून कैसे काटूंगे हाँ कैसे वारिस आलम साहब से बात हुई हाँ वो कह रहे हैं कि एक दो दिन और लगेंगे वो दिख तो जाती है लेकिन उसको बस में करना बहुत मुश्किल है एक बात बताओ फारिस हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं कैसी बात कर रहे हैं प्रोफेसर तीसरी दफा वो लड़की हासिल आंदोलन शुरू करने से पहले आपने कहा था प्रोफेसर कयामत को रोकना इफ्रत को रोकना बहुत मुश्किल है साहब ये इफ्रत दिखता कैसे इफ्रित दिखता नहीं है कन्हई सुनाई देती है बस उसके सांस की आवाज सिर्फ उसकी इर्द गिर्द रहती काला पूरी दिखाई देती है जो हम तक उसका पैगाम पहुंचाती है इफ्रित नजर के परे है कन्हई
रुखसाना रुखसाना आप अंदर हो? क्या हुआ आपको? खाना क्यों नहीं खाया आपने? भूख नहीं थी। सारा दिन कुछ नहीं खाया, भूख कैसे नहीं थी? आओ साथ में खाते। अच्छा एक मिनट, ये आपके लिए। लीजिए आपके लिए। Most of the promises which are being given and will be given in Paris, my expectation is that this is certainly not happening. So where are we? बदल दो. As far as the Bangla channel देखनी है. ये समझ भी आएगा? देखने देना. आपने टीवी पहले देखा है कभी? ओ हाँ, एक आश्रम ढूंढा है आपके लिए, सुना है बहुत अच्छी जगह है। कल मैं क्या करूँगा, सुबह ऑफिस जाते टाइम आपको वहाँ पे छोड़ के आऊँगा। चलो। नहीं जाऊँगी। नहीं, अच्छी जगह है। नहीं, वो वहाँ आ गया तो? नहीं, वहाँ कोई नहीं आएगा, वो बहुत सेफ जगह है। अरे वहां टीवी भी है। हाँ नहीं जो रुखसाना, रुखसाना रुखसाना समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें यहां नहीं रख सकता। अगर मेरे घर वालों को पता चल गया ना तो पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, मैं एकदम चुप रहूंगी। चूहे के जैसे मम्मी ने सिखाया मुझे, नहीं पता चलेगा को, नहीं पता चलेगा। अभी आपको कहीं नहीं जाना है, बाहर आओ खाना खा लो। सना प्लीज। क्या कर रही हो? भूख लगी थी। तो कचरे में से क्यों खा रहे हो? पागल हो गया? खाना है ना फ्रिज में। और दो बस, नहीं और चाहिए तो बोलो।
इतना ही था, काफी होगा? देता है। थैंक गॉड, आपका क्या भरोसा, तो अगरबत्ती की खुशबू को भी बदबू कहती हो। डर लगता है अगरबत्ती से। रियली? एक चीज सिखाता हूं मैं, उससे डर भाग जाता है। एक हाथ से एक साइड नाक के दबाओ ऐसे, हाँ, और दूसरे साइड से लंबी सांस लो, फिर दूसरा साइड दबा के और इस साइड से भी छोड़ना है, हाँ, सांस को। करो, आप भी करो। हाँ, नो, दो साइड एक साथ दबाना नहीं। हाँ, लीजिए मुंह मीठा कीजिए बाबा जी, आप लीजिए, ये प्याली के लिए ले जाओ बेटा, ये तुम्हारे हैं। हाँ, ऐसे ही माने रखे। थैंक यू, बहुत अच्छे कंडीशन में है, तुम्हारे दोस्तों ने कभी तोड़े नहीं? नहीं, मुझे ये प्रॉब्लम कभी नहीं था। मेरे कोई दोस्त ही नहीं थे। दोस्त नहीं थे मतलब? सब दोस्त नहीं थे, मैं किसी के साथ बात ही नहीं करता था, ना कम बोलता था कि माँ डरती थी धीरे धीरे आवाज गायब ना हो जाए। और गेस्ट आते थे तो तुम बिस्तर के नीचे चिप जाते थे, नहीं? तुम्हारी माँ बता रही थी।
हाँ, चाहे कोई कितना भी बुला ले, बाहर ही नहीं आता था। I love you too. I love you too. I love you too. रुक्साना, रुक्साना, क्या हुआ? रुक्साना, बात बता, थोड़ी देर की लगना छोड़ दे। मैं डॉक्टर को लाता हूँ। नहीं नहीं, रुक्साना, रुक्साना, बच्चों की तरह बिहेव मत करो, बाहर आओ। ठीक हो जाऊंगी। छोड़ दे सना, प्लीज मदद करने दो। तो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कभी थोड़ी होता है। मैं नहीं हूँ पर सॉरी।
आलम साहब ने भेजा है। अंकित बचा लो अंकित, मुझे यहाँ बांध के रखा है, मारते गाली देते, खेते मैं कोई काला पोरी, मेरी मदद करो अंकित, मुझे यहाँ से निकालो अंकित, मुझे बचाओ अंकित, मुझे बचाओ। क्या चाहिए तुझे? हरामी साला, किधर से मिला ये? इसकी खबर चाहिए तुझे? क्यों बताऊं? मांगा मांगता है, दाम क्या देगा? ओ बच्चा देगा? बोल बुटे, देगा बच्चा? मेरी कोख में बीज डालेगा? बोल, बहुत आ गया ना तेरे अंदर, कुछ मेरे अंदर भी डाल दे, बच्चा दे दे। ए बुड्ढे, तू बच्चा देगा? देना देना बच्चा, देना। सुभान हो बताला कदम मरा तू जला अब बताएगी? और देख झूठ मत बोलना, नहीं तो ऐसा हाल करूंगा तेरा कि जहन्नम में भी जगह नहीं मिलेगी। Let's go.
ए बुढ़े, खा जाएगी सबको एक एक करके, खा जाएगी। इंतशार अल्दा, इंतशारात फजीलत अल्दा। ठीक हो? डरा दिया था कल रात। क्या बना रही हो? मिला था ट्रेन, वो लास्ट नहीं, लास्ट से पहले वाला। एक्चुअली बारिश तो काफी जोर से हो रही थी। घर में चोर घुसा है, उनके डॉगी को भी जहर देंगे। मिसेस पगड़ा सी, वो गले पे निशान क्या है? उसको पता था, वो मरने मरने वाला है। इसके दो दिन खाना नहीं खा रहा। चलो पुश पुश, नर्स गेट मी द इंजेक्शन। Pandas, push! Piyali, get me the injection! Oxygen! Don't worry, तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। Yes, it's coming off! Push! 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 Thank you.
क्या कर दिया? बहुत ढूंढा, नहीं मिला। न खून काटने वाला, वो नहीं मिला। तो ये छुरी से काट लिए? पागल हो क्या? ठीक हो जाए। शट अप। हाँ, लोगों को क्या कहूंगा अगर आपको कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होता। ओ, हाँ। माफ कर दे। एक्चुअली माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। आई एम रियली सॉरी। आपने मेरी सिगरेट क्यों फेंकी? सिगरेट फेंक दिया तो मैंने भी मजाक में इसको छुपा लिया था। नहीं फेंकी। नहीं फेंकी आपने? नहीं फेंकी आपने? I love you too. Huh? I love you too. चाय पियोगे? हाँ। I'll call you back. बहुत फोन करती है तुझे। कौन? वो लड़की। उस दिन पूछ रही थी ना कितने बजे घर पहुंचे।
मुझे वो अच्छी नहीं लगती, उससे बात मत करना। नमस्कार अर्णव बाबू। रुखसाना नाम की लड़की को जानते हैं? कौन कौन रुखसाना? ओए, तो उस दिन मुर्दागर नहीं आया था उस लड़की के साथ? बताओ तेरे को, झूठ बोलता है? उसकी अम्मी का आपकी कार के साथ एक्सीडेंट हो गया था। ओ अच्छा, वो? हाँ वो। हाँ लेकिन आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं उसके बारे में? क्यों, वो आजकल आपके साथ नहीं रहती? क्या बकवास कर रहे हैं आप, वो क्यों रहेगी मेरे साथ? उसकी अम्मी मर गई थी आपकी गाड़ी के नीचे आके। शायद आपको लगता है आपकी जिम्मेदारी। सुसाइड था, सब जानते हैं। आप इल्जाम लगा रहे? नहीं, समझा रहे हैं। वो लड़की आपकी हमदर्दी के लायक नहीं है, इंसान नहीं है वो। क्या? पेरी है, बच्चों की कहानी वाली परी नहीं, इफ्रित की बेटी है। औलाद चक्र में पैदा हुई है, बहुत खतरनाक है, बहुत सालों से ढूंढ रहे हैं उसे। आप पागल हो क्या? कौन हो आप लोग, हो कौन? हाँ, आपको अंदर किसने आने दिया? अरुणा बाबू। ए सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इधर आओ। अरुणा बाबू आप गलत समझ रहे हैं, वो परी नादान नाजुक लगेगी, आपके साथ इश्क फरमाएगी, मुंह का जाल बिछाएगी और धीरे धीरे आप उसके जाल में फंस जाएंगे। अरे क्या यार, तुम लोग किसी को भी घुसने देते हो अंदर। चलिए दादा, निकालो सबको, निकालो सब। आपने उसे नहीं रखा, उसने आपको रखा। चलिए कहाँ चलिए? क्योंकि वो कुछ चाहती है आपसे, जिस दिन उससे वो मिल गया ना, बहुत प्यार से वो आपको काट कर। काट चुकी है।
क्या कर रहा है साले? क्या हुआ तुझे? वो लोग क्यों ढूंढ रहे हैं आपको? क्या चाहिए क्या उसे? किसने किया ये? वो लोग पता नहीं क्या क्या सब बकवास कर रहे थे क्या? कुछ उला चक्र, कुछ इफ्रित, कुछ परी, क्या है ये सब? क्या है? किस मुंह में बांध रही हो आप? किसने किया? क्या जाल बिछाया है? वो साला मुर्दा घर वाला अपने भी छोड़ो वो सब, आप बताओ क्या जा बचा है? साहब सुनिए, उसने घर लिया मुझे ना। हाँ, मैं छिप छिप के पीछा कर रहा था, मां कसम। सब मुझे नहीं पता ना उस हरामी को कैसे पता चल गया। हेलो,
हराम खोर किसने किया रे? मैं थोड़ा लेट कर पहुंचा। रात से ट्राई कर रही हूं तुम्हें। तुम्हारा फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। सॉरी। कहां थे तुम? अभी कहां हो? घर पे हो? हां, घर पे। कोई आ रहा है। एक मिनट होल्ड करो जरा। क्या? कोई है? कोई नहीं है। है? नहीं। हाँ मैं अभी आया मैं। मेरे साथ आओ। मेरी बात सुनो। वो क्यों आई है यहाँ? प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज आप इस कमरे में रहो। हाँ प्लीज, कुछ भी हो जाए बाहर मत आना, समझी? प्लीज अभी आया मैं। मुझे लगा खोलोगे। ये क्या हुआ? कुछ नहीं, एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट हुआ और बताया भी नहीं? डॉक्टर के पास गए? हाँ। दिखाओ। ये कैसे डॉक्टर के पास गए? पट्टी भी नहीं लगाई है, घर पे बैंडेज है? नहीं रहने दो ना, ठीक है अभी। ठीक है मैं लाता हूँ बैंडेज। अब आप आओ मेरे साथ, आओ बैठो यहाँ, या इस रूम में बैठो। हाँ बैठो, लाता हूँ मैं। वैसे मैं कल बहुत गुस्सा थी तुमसे, कुछ जरूरी बताना था। कितने बार फोन ट्राई किया, फोन ही नहीं उठाया तुमने। hey! अच्छा है कमरा। ये तुमने बनाया है? हाँ। अरे वाह, बताया नहीं कि तुम आर्टिस्ट भी हो। मेरा भी बना दोगे? हाँ। ऐसा स्केच। सिट हियर, कम, ये तो मुझे। हो गया। हाँ।
डर रहे हो? नहीं। योगा करे? तुम? मैं? जब किसी से प्यार करते हैं तो उसे तुम कहते हैं। सॉरी नो नो आई एम सॉरी मुझे शायद नहीं वो आई शुड गो नो इट्स ओके यू डोंट हैव टू कम आई विल गो अब वहां कैसे पहुंची छुपाने नहीं चाहती थी तुमको कुछ बताने आई थी पर छुपा तो तुम रहे थे एक सच्चा फूल यानी ऐसा नहीं है प्लीज क्या मतलब है हाँ सिर्फ एक गलती की वजह से आपको लगता है कि कुछ भी कर सकती हो दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है यहां चलो निकलो निकलो यहां से खुद नहीं जाओगी तो मैं धक्का मार के निकाल दूंगा नहीं जाओगी क्या लगता है मौत कम जहर डाला खुद को जिंदा रखने के लिए नहीं फारिस बल्कि उसको मारने के लिए चाला पूरी गलत थी इश्क लड़के को नहीं हुआ
1990 में बांग्लादेश के सातखीरा इलाके में एक खबर ने दहशत फैलाई हुई थी। खबर थी सातखीरा और आसपास के इलाकों से नाबालिग लड़कियों का गायब होना। माना जाता था इन्हें अगवा करने वाला एक समूह था जिसका नाम था औलाद चक्रा। इस समूह का मकसद था इफरत की नस्ल को आगे बढ़ाना। जब ये शैतान हैवान की अफवाह फैलने लगी तो औलाद चक्र के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ, कयामत आंदोलन। इसके कर्ता धर्ता थे ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कासिम अली। आम जनता इस आंदोलन के पक्ष में थी, पर इनके तौर तरीके और कट्टर सोच की वजह से सरकार ने इन पर रोक लगा दी और इसे गैर कानूनी करार कर दिया। इफ्रित दिखता नहीं है कन्हैया, सुनाई देती है बस उसके सांस की आवाज। इफ्रित इंसानों के साथ जिस्मानी रिश्ता रख सकते हैं, जिसकी वजह से इंसानी लड़कियां इफ्रत की बच्चे को जन्म दे सकते हैं। इफ्रत के बच्चे हमारे बच्चों की तरह 9 महीने में नहीं बल्कि हिजर कैलेंडर के 1 महीने के अंदर पैदा हो जाते हैं। ये बच्चे नाफी की डोरी और नाभि के बिना पैदा होते हैं। इन बच्चों के खून में जहर होता है। अगर 29 दिन में उन्होंने ये जहर नहीं निकाला तो उनका जहर उनको ही मार देगा। ये बच्चे सिर्फ एक ही मकसद के लिए इस दुनिया में जन्म लेते हैं, और बच्चों को जन्म देने के लिए, शैतान की नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए। मुझे बुला रही है, तुम मुझे छोड़कर मत जाना।
बहुत डर लग रहा है मुझे। सॉरी, अगर मेरे पास यहां रहना है तो चल रहा है क्या? मेरे पेट में बच्चा है। आई लव यू टू। दरवाजा खुला है। हाँ। बैठा क्यों है? जा बंद कर। अर्णव, अर्णव कोई आ रहा है, जा। क्या किया देखो, कैसे जाहिल लोग हैं। रुको 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 रुको, देखो आखिर मुलाकात हो गई ना।
आखिरी मुलाकात से। जितना गुस्सा चढ़ेगा जहर उतनी जल्दी पड़ेगा। इसको इसके जहर से मारेंगे। क्या इतना वक्त लगा इस आखिरी वाली को ढूंढने में? थोड़ा तड़प रुक के मारने दो उसको, इसी लायक है। भाई बेटा देखो कौन आया है, दरवाजा खोलो। अर्णव ओपन द डोर। कमाल है, कब से दरवाजा खटखटा रही है और तुम ओके? क्यों कर रहे हो ये सब? 3 हफ्ते से घर से नहीं निकले हो तुम। सब लोग मुझे ब्लेम कर रहे तुम्हारे इस हालत के लिए। जो कुछ हुआ उसके बाद मैं क्या करती? Why is it suddenly my fault? तुम अभी बाहर जाओ और जाके सबको सच बताओ। तुम नहीं बताओगे तो मैं उस लड़की के बारे में, तब जाके शायद। लड़की नहीं है वो, राक्षस है, इफ्रित की बेटी है। कितना वक्त लगेगा? ज्यादा नहीं, और कुछ घंटे बस। बस इतना पता है कि मेरी वजह से वो प्रेग्नेंट है। और मैं उसे छोड़ के आ गया मरने के लिए। तो राक्षस कौन हुआ, वो या मैं? अर्णव, राक्षस हम सबके अंदर है,
तुम्हें याद है उस दिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी मेरे उस लड़की के साथ अफेयर के बारे में? वो बाइक वाला डॉक्टर, वो ऐसे ही खत्म नहीं हुआ था। मैं प्रेग्नेंट थी, शुरू शुरू में सब ठीक था, फिर एक दिन सडनली उसने फोन करके बोला उससे नहीं हो पाएगा। बस इतना ही, फिर मुझे अकेले करना पड़ा। तीन महीने हो गए थे, सोनोग्राफी में उसकी हार्ट बीट तक सुनी थी, जब भी पेट पे हाथ रखती थी तो फील कर सकती थी, अभी भी करती हूं। ذكركم سبحانه وتعالى باسم نوري باسم خيري قد يتم تدمير شري باسم ربي قد يتم تدمير شيطاني بل باسم خيري قد يتم تدمير شري باسم ربي كم آمانا أمرني دارك يجي يكون الآن أذكركم سبحانه وتعالى باسم نور قد أمرت الظلام باسم خير قد يتم تدمير شر أيقانا الآن أيقانا الآن باسم الرب قد يتم الانحناء قبل لي باب نواهد لا إله يكون الآن الآن बोलो। क्या लिखा हूँ? बस अभी अभी घर पहुँच, एक सेकंड होल्ड करना। सॉरी, वो चाबी अटक गई थी। घर के सारी खिड़की दरवाजे बंद कर दो। क्यों, क्या हो गया? वो अभी जिंदा है और तुम्हारे पास आ रही है। क्या, तुम्हें कैसे? मेरी बात सुनो, किसी के लिए भी दरवाजा बंद खुलना, किसी के लिए भी, जब तक मैं नहीं आता।
लंबी सांस लो, ऐसे लंबी सांस, हाँ, लेती रहो Oh!
प्यालिक, 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 तुम ठीक हो? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? वो चली गई। कौन? रुखसाना, बच्चा मेरे पास छोड़ के चली गई। बच्चा? डिलीवरी के बाद मैं तौलिया लाने गई, वापस आई तो वो नहीं थी, पता नहीं कहाँ गई। समझ है, पता चल जाता है जब मुझे जहर निकालना होता है, पर ये छोड़ के नहीं जाते कभी। मुझे माफ कर दो रुखसाना, मैं डर गया था। मेरा बच्चा, उसे डरना मत, वो मेरे जैसा नहीं है, उसे मत डरना। उस बच्चे की नाफे की डोरी थी, नाभि थी, शायद इसलिए क्योंकि उसके पैदा होने के पीछे इफ़रत की नफ़रत नहीं, रुखसाना का प्यार था। रुखसाना एक दिन कहीं से मेरी ज़िंदगी में आई और फिर वैसे ही चली गई, शायद उसी जगह जहाँ परिया चली जाती है कहानी के ख़त्म होने पर।